80 और 90 के दशक की फेमस मॉडल। एक वक्त था जब इस मुल्क में मिस इंडिया होना स्टारडम की राह का पहला मील का पत्थर माना जाता था। फिल्मों में उन्होंने अपने वक्त के मुताबिक कई खुले सीन दिए। इस फेमस मॉडल का कहना था कि उनका करियर तीनों खान की वजह से बर्बाद हुआ था। जी हाँ, सही सुना आपने, यह कहना है फिल्म खून भरी मांग से फेमस हुई सोनू वालिया का। आज सोनू वालिया हिंदी सिनेमा से गायब हो गई हैं। अगर उन्हें अब कोई देखे तो शायद ही पहचाने। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि वो अब कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता मेजर सतविंदर वालिया एक भारतीय सेना अधिकारी थे और माता गृहिणी। इनकी एक बहन है जिसका नाम मोनू वालिया है। सोनू वालिया ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के स्कूल से पूरी की और वो पत्रकारिता की स्टूडेंट रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद सोनू वालिया ने मॉडलिंग में जाने का फैसला किया। जरहरी काया वाली सोनू ने जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा लिया। इसके बाद सोनू ने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और साल 1985 का ताज अपने नाम करने में कामयाब रही। मिस इंडिया बनने के बाद सोनू वालिया को बॉलीवुड से ऑफर मिलने लगे। 1986 में सर्त फिल्म से सोनू की शुरुआत हुई, लेकिन इस फिल्म में इनका अभिनय ना के बराबर था। फिर सोनू की साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म आकर्षण, जिसमें इन्होंने बेहद ही बोल्ड सीन दिए। उस दौर में इतने बोल्ड सीन पर्दे पर फिल्माना बेहद ही कठिन होता था। आकर्षण फिल्म के एक दृश्य में झरने के किनारे जब उन पर एक बोल्ड सीन फिल्माया गया तो बॉलीवुड में तहलका मच गया। 1988 में ही फिल्म आकर्षण के दौरान जब राकेश रोशन की नज़र सोनू वालिया पर पड़ी तो राकेश रोशन ने उन्हें अपनी फिल्म खून भरी मांग में कास्ट किया। इस फिल्म में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन सोनू को भी इस फिल्म ने पहचान दिलाई और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। सोनू को जनता सबसे ज़्यादा इस फिल्म से ही जानती है। हेमा मालिनी ने जब डायरेक्शन में दिल आसना से डेब्यू किया तो उस फिल्म में सोनू भी थी और संयोग से आज के किंग खान भी। उसके बाद सोनू ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे महादेव, क्लर्क, महासंग्राम, हातिम ताई, तेजा, नंबरी आदमी, प्रतिकार, दिल आसना है, निश्चय, साहिबा, लगभग एक दर्जन फिल्मों में आई, पर उनका वो जादू दर्शकों पर फिर ना दिखा जो खून भरी मांग में दिखा था। सोनू का एक्टिंग करियर बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर होता हुआ खत्म हो गया। जय मां शेरावाली 2008 में आई सोनू की आखिरी फिल्म है। उससे पहले वो 1995 में जल्लाद में और 2001 में कसम में दिखी थी। फिल्म में बेहतरीन अभिनय के बावजूद उन्हें वो सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी, जिसके लिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ अपना रुख किया। कहा जाता है कि एक समय में दिग्गज अभिनेता कबीर वेदी के साथ सोनू रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई थी और दोनों ने 1988 में सगाई कर ली थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। जब काफ़ी सालों बाद सोनू ने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा क्यों कहा था, उन्होंने खुलासा किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में तीनों खान की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाया था, क्योंकि सोनू की हाइट काफ़ी लंबी थी जबकि तीनों खान की हाइट उनसे छोटी थी और उस समय तीनों खान लंबी हीरोइनों के साथ काम करने से कतराते थे, जिसमें सोनू वालिया का नाम भी था। फिल्मों में अभिनय करने के कुछ समय बाद सोनू ने फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया और शादी करने का निर्णय लिया। सन 2000 में NRI सूर्यप्रकाश को अपना जीवन साथी चुना, जिनकी किडनी खराब होने से 2010 में उनकी मौत हो गई। सूर्यप्रकाश के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी NRI फिल्म प्रोड्यूसर प्रताप सिंह से की। उनकी एक लड़की भी है और फिलहाल वो अब मुंबई में ही रह रही हैं और फिल्म और टीवी प्रोडक्शन के कामों में लगी हैं। कुछ सालों बाद सोनू तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने एक अनजान शख्स के खिलाफ अश्लील मैसेज, कॉल्स और वीडियो भेजने के मामले में उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 30 फिल्मों में काम किया। बला की खूबसूरत और मिस इंडिया रह चुकी सोनू वालिया हाल के वर्षों में जब एक फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च के मौके पर दिखी तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान था।